नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहना मंडी में और आज के इस वीडियो में हम 21 सितंबर 2023 लहसुन के ताज़ा अपडेट इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। सफाई चल रही है सर या ग्रेडिंग चल रही है? अच्छा, ग्रेडिंग चल रही है, यानी वजन कम कर रहे हो सर। तो अभी ये पीछे थोड़ा सा ग्रेडिंग सफाई वगैरह चल रही है, बाकी क्वालिटी अनुसार आज का भाव भी बताएंगे और कितनी आवक आमदनी देखने को मिल रही है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए जान लेते हैं आज का ताज़ा अपडेट तोताराम जी से। कैसे हो सर? बढ़िया है सर जी। तो सर आज लहसुन में क्या बाजार खुला है? बाजार वही है सर, यहाँ पे ऊपर में 150 से 160 रुपए अच्छे वीआईपी माल। अच्छा जी, अच्छा जी। ज्यादातर 100 रुपए से 140 रुपए तक अच्छे माल बिक रहे हैं। ठीक है जी। तो एक्स्ट्रा माल हो तो अपने 150 से 160 रुपए। सर जैसे बात करें कोटा की, तो कल कोटा में बहुत ज्यादा आवक थी। आवक फुल थी वहाँ पे, डबल आवक थी, करीब मान के डबल क्या ट्रिपल हो गई सर, जैसे 15-16 हजार कट्टों के आसपास। जैसे अभी 8 हजार आ रही थी तो 16-17 हजार कट्टे की आवक 6 हजार के आसपास दिखाई दे रही थी। पर बाकी 12 में भी बता रहे हैं, 12 में भी कल 10-12 हजार कट्टे की, क्योंकि एमपी में जो मंडियां बंद है उसका असर सीधा एमपीओं का असर है, जो राजस्थान में आ रहे हैं किसान और व्यापारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आवक डबल हो रही है। और जयपुर में तो आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ ऑक्शन होता नहीं है। यहाँ ऑक्शन नहीं होता है, यहाँ तो कोई 2-4 पिकअप आती है सिर्फ। बिल्कुल किसानों की। तो सर आज क्या जैसे गाड़ियों की संख्या की बात करें तो कितनी है माल यहाँ पे जयपुर? हाँ। में जयपुर में है 1200 से 1500 अट्टे की आवक है। तो आज कुछ ज्यादा है? हाँ, आवक देखो वहाँ का असर तो पड़ेगा। तो ग्राहकी ज्यादा है क्या? ग्राहकी कल अच्छी थी, आज थोड़ी नॉर्मल है। ग्राहक भी आजकल लेट हैं, 10-11 बजे ग्राहकी चलती है। तो अभी सुबह सुबह है, अभी तो पूरा दिन है, अभी बस ग्राहकी भी यहाँ पे आजकल लेट चल रही है, 10-11 बजे चलती है ग्राहकी। तो क्या संभावना लग रही है सर? संभावना देखो बाजार ये चलने वाले हैं, तेजी मंदी का अभी तो कुछ रुख दिखा नहीं है। जब तक अपने एमपीए की मंडियाँ चालू नहीं हो सारियाँ, जब ये पता लगेगा तेजी मंदी। तो सर अभी जैसे कोटा की बात करें तो वहाँ आवक ज्यादा थी तो भाव भी टूटा है सर कुछ? देखो वो 2 दिन पहले वहाँ 10 रुपए प्लस हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो 1-2 रुपए 2-4 रुपए वहाँ डाउन हुए तो उसे कोई मायना नहीं रखता है 2-4 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। लहसुन में भाव ही ऐसे हैं तो 2-5 रुपए चलती रहती है, ऊपर नीचे चलता रहता है कभी। तो सर बात करें यहाँ से, तो ये लहसुन क्या बिका है सर? इसकी पोजीशन ये मान के चलो 120-125 रुपए। 120-125 रुपए। और ये वाला सर? ये 125-130 रुपए। ये एमपी के हैं या फिर ये वाला छिपा बड़ोदा है, ये वाला अपने कोटा का? कोटा का है। ठीक है, ये वाला सर? ये भी एमपी का है और इसकी पोजीशन 125-130 रुपए है। ठीक है। और ये सर? ये माल ही छिपा बड़ोदा है, ये बिक रहे 70 से 75 रुपए। 70 से 75। हाँ जी। सबसे नीचे यही होंगे सर? सबसे नीचे यही है। और ये वाले सर? इसकी भी पोजीशन 120-125 रुपए मान के चलो, इसके 110-115 रुपए। ये 110-115? हाँ जी। क्वालिटी देख सकते हैं, साइज तो अच्छी है, इसमें थोड़ा सा कोट है। और ये वाला सर? ये 80 से 85 रुपए। 80 से 85। हाँ जी। और ये एमपी का? ये भी एमपी है। अच्छा जी। ये क्या बिक रहा है? 110 रुपए। और जो वो ग्रेडिंग हो रही है वो पीछे? पीछे वो ग्रेडिंग हो रही है, इसका मोटा माल 140 है, मीडियम 110 रुपए। अच्छा जी। हाँ जी। तो ग्रेडिंग आप करवा रहे हो? ग्रेडिंग पार्टी है तो 10-15 कट्टे बैलेंस थे। अच्छा जी। वो कह रहे कि ग्रेडिंग करा के भेज दो, जल्दी बिक जाएगा, उनका बीजक बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात थी। तो आगे क्या संभावना देख रहे हो सर? आगे ये संभावना मेरे को विशेष तेजी तो लग रही नहीं है। बिल्कुल, बाजार यही चलते रहेंगे 5-10 रुपए ऊपर नीचे बस। और बाकी अभी जो एमपी की मंडियां खुलती हैं तभी पता लगेगा सर जी, एमपी की मंडियां खुलेंगी तभी पता लगेगा। एमपी की मंडियों पे डिपेंड कर रहा सब चीज। बिल्कुल, तेजी मंदी का जो भी रुख दिखेगा वो एमपी की मंडियां चालू होगी जब ही पता लगेगा। पर सर जैसे मान लो अगर डाउन जाना होता तो अभी तक चला जाता सर? डाउन तो जाने की उम्मीद बहुत कम है, एमपी की मंडियां खुलेगी, अगर आवक ज्यादा रहेगी 2-4 दिन वहाँ पे तो बाजार गया तो 2-5 रुपए उतर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब आवक कम रहेगी तो फिर 10 रुपए प्लस होंगे। बिल्कुल, यानी सर आगे जो माहौल हर चीज का बनेगा सर, मौसम भी बनेगा। बिल्कुल, त्योहार भी हैं और सारे और लगभग शादी ब्याह भी वगैरह शुरू हो जाएंगे तो माहौल तो बनेगा। तो माहौल बनेगा अगले महीने में माहौल। बिल्कुल, यानी मंदी का तो कहीं तक नजर नहीं आ रहा, तो कहीं असर नहीं दिख रही, मंदी का कहीं रोल नहीं है। बिल्कुल,
पर अभी ये नहीं कह सकते 250 जाएगा 300 जाएगा, वो तो सर देखो वक्त ये तो नहीं कह बताएगा। सकते, वक्त के हिसाब से चलना पड़ेगा, बिल्कुल वक्त बताएगा। बिल्कुल सर, अगले महीने में आवक बताएगी, अभी तो आवक देखो राजस्थान में तो ठीक है, अच्छी आवक आ रही है, किसी बिल्कुल ने सोचा नहीं था कि इतनी आवक आएगी, बिल्कुल क्योंकि सर, एमपीए को मंडी का असर पड़ रहा है राजस्थान पे बिल्कुल सर। जी। तो सर किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे किसान आज? भाइयों को ये कहना चाहेंगे, देखो माल बेचने का मौका है राजस्थान वाले को, बिल्कुल बेचना चाहिए माल, भाव अच्छे हैं, ये है कि अपने धैर्य से बेचते रहें, आधा माल बेचो आधा माल रख लो, बिल्कुल तेजी बिल्कुल मंदी जो भी है फिर देख लेना, बिल्कुल सर, ये बात है, अभी भी मौका है, इस टाइम पे अच्छा भाव है और राजस्थान में भाव ठीक है, बिल्कुल सर। तो राजस्थान वाले इनको मौका है बेचने का। ठीक है जी सर। तो अपना कांटेक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर है अपना 9982330400 9982330400, जिस किसान व्यापारी भाई को माल खरीदना है बेचना है वो तो संपर्क कर सकते हैं, हमारी फर्म पे अच्छा भाव बिकता है और बिल्कुल सारा माल पूछ के बेचा जाता है बिल्कुल, जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।